भाजपा की सरकार है और भाजपा ना संविधान पे विश्वास करती है और संविधान बनाने वाले नेता जी के सेनाइयों पे भी विश्वास पे आक्रमण हुआ और उनका कोई अभी तक गिरफ्तार नहीं करा। और तो आज कल आपके एक नेता हैं कोई मोहन करके, उन्होंने जिस तरह की अपनी मानसिकता दिखाई, ये घृणी मानसिकता है और इस तरह की मानसिकता उत्तराखंड में नहीं चलेगी। ये देवभूमि है, यहाँ सब धर्मों का सम्मान है, सब जातियों का सम्मान है। और जिस तरह से भाजपा और आप आजकल जिस तरह से यशपाल आरजी पर आक्रमण कर रहे हैं, ये यशपाल आरजी पर आक्रमण नहीं है, पूरे प्रदेश की अनुसूचित जनजाति पर आक्रमण है। और हम अनुसूचित जाति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कांग्रेस खड़ी है और उनके सम्मान में कांग्रेस को जो करना होगा वो करेगी, उससे पीछे नहीं हटेगी। हम हर लड़ाई को लड़ने के तैयार हैं। यशपाल आरजी का सम्मान नहीं, ये पूरे हमारे दलित भाइयों का सम्मान है, अनुसूचित जनजाति के लोगों का सम्मान है और इस सम्मान से किसी को हम समझौता बिल्कुल नहीं करेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह बौखला गई है, उसके साथ साथ में आप पार्टी भी बुरी तरह बौखला गई है। हमारे बहुत ही सम्मानीय नेता पूर्व मंत्री यशपाल आर्य जी, वो बहुत शांतिपूर्ण अपना कार्य कर रहे हैं। बस गलती इतनी है कि भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने छोड़ दिया और कांग्रेस में अपने परिवार में वापस लौट गए हैं। अभी 3 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी ने यशपाल आर्य जी के ऊपर, संजीव आर्य जी के ऊपर प्राणघातक हमला किया, कांग्रेस पार्टी से सहन नहीं कर करेगी। उसके बाद 2 दिन बाद तमाम लोगों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मुकदमे करवाने का कार्य किया। आज हमने इसी विरोध में बाबा अंबेडकर जी की मूर्ति से लेकर और यहाँ रेलवे फाटक तक ये पद मार्च निकाला है। यदि भारतीय जनता पार्टी इसके जुड़े मुकदमे वापस नहीं लेगी तो हम देहरादून कूच करेंगे और गणेश गोरियाल जी के नेतृत्व में, प्रीतम सिंह जी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री को ये बताएंगे कि यशपाल आर्य जी के ऊपर या किसी दलित के ऊपर या किसी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता के ऊपर यदि इस तरह की उत्पीड़न कार्रवाई करी तो हम सड़कों पर रहेंगे, इन्हें मजबूर करेंगे कि इस तरह की कार्रवाई ना हो।